अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हैं। सुबह मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी कि मैं पतंग के बारे में लाजमी जो है ना वीडियो शेयर करूंगी। अभी सब्ज़ी काट रही थी तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी वीडियो बना लूं और अपलोड कर दूं। देखें जी, आपके मोहल्ले में या आपके देखें शहर में हर किसी का फ़र्ज़ है। अब हर किसी के ऊपर ये फ़र्ज़ लाजम हो गया है कि अपने मोहल्ले में, अपने सिटी में किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को वो पतंग उड़ाते देखें तो आप उसको मना करें। अगर वो नहीं बाज आता तो आप कोई सी भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये आप पर लाजम हो गया है। ये पतंग की डोर और कितने लोगों की जान लेगी। एक वो वाक्या हुआ है जो कि आप सबको पता है कि एक जवान जो लड़का है उसकी डेथ हो गई है पतंग की डोर गले पे फिरने की वजह से। ब्राय मेहरबानी, अब आप अपने ऊपर ये फ़र्ज़ लाजम कर लें, कहीं भी पतंग बच्चे को, लड़के को, किसी को भी उड़ाते देखे तो उसको मना करें आप। दूसरी बात ये कि मेरी एक और वीडियो मैंने अपलोड की थी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, कि परिंदे भी जो है ना इस पतंग की डोर की वजह से वो भी मर रहे हैं। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। एक परिंदा दरख्त पर डोर की वजह से, उसका पर उस डोर में अटक गया था, तो हमने तकरीबन रात के 12-1 बजे तक कोशिश की लेकिन वो नहीं उतर सका। और मुझे उस बात का बड़ा अफसोस था कि हम उस परिंदे को नहीं उतार सके। एक परिंदे की वजह से मतलब हम लोग, इतना मुझे अफसोस हुआ। तो आप सोचें, एक इंसान की जान कितनी कीमती है। कितनी माओं के लाल उजड़ रहे हैं, कितनी बहनों के भाई जा रहे हैं। तो खुदारा खुदारा अपने बच्चों को भी मना करें, उनको पतंग उड़ाने ना दें। तो मेहरबानी करके ये मेरी वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें। और दूसरी बात ये कि आखिरी पैगाम ये देना चाह रही हूँ कि अगर किसी को कोई वजीफ़ा वगैरह चाहिए किसी भी मसले के हल के लिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं बनाऊँगी पालक आलू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।